आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। घाटी में खत्म होगा दहशतगर्दों का नामो निशान। 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च अभियान के साथ साथ एनआईए की जांच में जुटी एनआईए लगातार जांच में जुटी हुई है। नापाक साजिश के सबूत जुटाने में लगी हुई है टीम। शुक्रवार को राजौरी में एनआईए टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद अलर्ट। कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से संभावित आतंकी हमले का अलर्ट। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के गौतम कुमार शहीद हुए हैं। कोटद्वार के रहने वाले थे राइफलमैन गौतम। अगले साल होनी थी शादी। राजौरी आतंकी हमले में कानपुर नगर के रहने वाले जवान करण कुमार शहीद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहादत को किया नमन। बिहार के नवादा के रहने वाले जाबाज चंदन कुमार भी राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज गई है अयोध्या। हर तरफ चल रहा है सजाने सवारने का काम। प्लेन में लालू गिरिराज सिंह की हुई मुलाकात पर सियासी बयानबाजी। गिरिराज सिंह का दावा, लालू ने कहा अब तेजस्वी को सीएम बनाए बिना बिहार नहीं चलेगा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेकर दिया अमर्यादित बयान। कहा सभी लोग चाहते नीतीश कुमार बने पीएम। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा देर रात मुजफ्फरनगर पहुंची। अजय राय का जाटलैंड में हुआ स्वागत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा। खरगोन से मजदूरों को गुजरात ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई। ग्रेट नोएडा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। चार मूर्ति इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार 3 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हुआ। बिहार के सुपौल में एक कार्यक्रम के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल। रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में छात्रों से टॉयलेट साफ करवाने का आरोप। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा मामले में तुरंत लिया गया एक्शन। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार का एक्शन। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 पहिया वाहन बैन। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बर्फबारी और तमिलनाडु समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु के इलाकों में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में सब कुछ पानी पानी हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।